चलो आज पत्ते खेलना सीखते हैं तो ये वीडियो मम्मी पापा को मत दिखाना नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि क्या सब हो रहा है यहाँ पर लेकिन मैथमेटिक्स में स्पेशली प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जब आप लोग मतलब जब लोग जुआ वगैरह खेलते थे, थे या फिर कार्ड्स तो उसमें ये जानना जरूरी जरूरी रहता है कि मतलब सामने वाले के पास कौन सा कार्ड्स हो सकता है ठीक है तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है कि अगर मेरे पास ये कार्ड है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले के पास ये वाले सारे कार्ड्स हो तो वहाँ से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रोबेबिलिटी में आए हैं ठीक है तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं लेकिन अभी कार्ड्स खेलना स्टार्ट मत कर देना नहीं तो फिर बहुत बुरी आदत लग जाती है कॉलेज में जाने के बाद खेलना कॉलेज में मैंने भी आई थिंक मोस्ट पार्ट ऑफ अपना आई का लाइफ जो था वो पत्ते खेल के बिताए लेकिन अभी आप लोग स्टार्ट मत करना अभी बस समझ लो कि क्या क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले तो चार अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं ठीक है तो मैं आपको पहले शेप्स दिखा देता हूँ अलग अलग तो सबसे पहले ये इसको जो है क्लब्स कहते हैं या फिर अपना देसी भाषा में चिड़ी कहते हैं ठीक है चिड़ी या फिर चिड़िया ठीक है या फिर इसको क्लब्स कह सकते हो तो ये पहला शेप हो गया फिर उसके बाद इस पर आते हैं इसको डायमंड्स कहते हैं आई होप आप लोग देख पा रहे हो इसको डायमंड्स कहते हैं या फिर देसी भाषा में इसको ईट कहते हैं ठीक है और कलर भी नोट करते जाओ स्टार्टिंग में जो चीड़ी दिखाया था वो क्या था काला कलर का था और फिर अभी जो ईट दिखाया वो लाल कलर का है ठीक है फिर उसके बाद ये इसको इंग्लिश में हार्ट्स कहते हैं और अपना देसी भाषा में जो है इसको पान कहते हैं या फिर इसको लाल पान भी कहते हैं ठीक है तो एक ये हो गया फिर उसके बाद अपना ये तो इसको स्पेड्स कहते हैं इंग्लिश में और देसी भाषा में अपना हुकुम या फिर काला पान भी इसको कहते हैं ठीक है तो ये चार शेप हो गया हमारे पास चिड़ी यानी कि क्लब्स और फिर उसका डायमंड्स यानी कि ईट और फिर हार्ट्स या फिर लाल पान और फिर स्पेड्स या फिर हुकुम ठीक है तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया उसके बाद फिर क्या होता है इसमें कि हर जो भी शेप है तो वो इक्का से स्टार्ट होता है ठीक है तो इसको एस कहते हैं मतलब ये जो ए लिखा हुआ है तो इसको एस कहते हैं या फिर इक्का भी कहते हैं इसको ठीक है तो ये इक्का हो गया तो ऐसे ही जो है एक से लेके तेरह तक कार्ड रहता है ठीक है तो एस ये वन हो गया फिर उसके बाद इसका ये टू हो गया है ना लाल पान का या फिर पान हार्ट इसका टू हो गया फिर ऐसे ही इक्का दुक्का तिगी है ना फिर ए टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है टेन फिर उसके बाद जो है आपका जैक आता है जे ठीक है लेकिन ये मेरा जर्मन का कार्ड है डॉइच का पत्ते हैं तो यहाँ पर पता नहीं जैक को बी लिखते हैं ठीक है तो ये बी नहीं मतलब ये जैक रहता है ठीक है नॉर्मल जो इंग्लिश वाला कार्ड अगर देखोगे तो वो जो है वो जैक रहता है ठीक है तो ये जैक हो गया फिर उसके बाद जो है हमारा रानी कहाँ पर है दिखाते हैं तो रानी को ढूंढने दो मेरे को रानी को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है अरे कहाँ चली गई रानी हम्म तो ये नॉर्मली क्वीन रहता है ठीक है नॉर्मली क्यू लिखा रहता है इंग्लिश में ये डॉइच का है इसलिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है पता नहीं क्यों तो एक ये क्वीन का हो गया ठीक है क्यू और फिर लास्ट में जो है हमारा ये किंग हो गया के ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्का से शुरू होता है फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक जाता है फिर उसके बाद इलेवन को जो है जैक कहते हैं जे फिर उसके बाद बारह जो होती है वो रानी होती है क्यू और फिर जो तेरह होता है वो आपका किंग हो जाता है के ठीक है तो अभी तक मैंने क्या बोला कि हमारे पास चार अलग अलग शेप हो गए है ना चिड़ी हो गया या फिर क्लब्स हो गया फिर डायमंड हो गया फिर इट फिर पान हो गया हार्ट्स और फिर हुक्म हो गया आपका स्पेड्स ठीक है तो ये चार अलग अलग शेप्स हो गए और फिर हर शेप में जो है तेरह अलग अलग कार्ड्स हो गए है ना इक्का दुग्गी तिग्गी फोर फाइव सिक्स सेवन सो ऑन तो ऐसे करके तेरह तो फोर इंटू थर्टीन जो है टोटल आपके पास फिफ्टी टू कार्ड्स हो गए ठीक है तो इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में आप लोग को क्या सब पूछा जा सकता है किस टाइप से कि अब मान लो कि ये पत्ता लिया मैंने सारा ठीक है इसको मैंने अच्छे से फेंटा ठीक है अच्छे से फेटा अब इसमें से मान लो कि जो डायमंड्स हैं उसका इक्का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है तो इसको जो वेल सफ़ल्ड बोलते हैं कि अच्छे से आप पूरा फेट दो इसको तो वेल सफ़ल्ड कार्ड हो गया मतलब कि सब का आने का जो है और फिर ऐसे करके मैंने बोल दिया कोई एक कार्ड उठाओ और डायमंड्स का इक्का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो क्या होगा कि फिफ्टी टू कार्ड्स हैं तो इक्वली लाइकली आउटकम है कि कुछ भी उठ सकते हैं ना तो सबका क्या हो गया वन बाई फिफ्टी टू ठीक है तो कोई इक्का डायमंड्स का तो वो एक ही कार्ड होगा तो उसका क्या प्लोरिटी हो जाएगा वन इंटू वन बाई फिफ्टी टू तो वन बाई फिफ़्टी टू कार्ड होगा तो देखते हैं क्या आता है अरे जोकर आ गया सॉरी जोकर को हटा देना था ये फिफ्टी टू कार्ड ही रखना था यहाँ पर ठीक है तो अब देखते हैं क्या आएगा तो ये दस आ गया गुलाम का ठीक है तो इस टाइप से जो है सोच सकते हैं कार्ड्स गेम के बारे में ठीक है तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में तो हमारे पास तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले ये चार अलग अलग शेप्स हो गए है ना ये हमारा क्लब्स हो गया चिड़िया या फिर चिड़ी फिर इसका डायमंड्स हो गए ईट और फिर हार्ट्स हो गया पान ठीक है और फिर उसके बाद स्पेड्स हो गया ये काला पान या फिर हुक्म ठीक है तो ये चार अलग अलग शेप्स हो गए और फिर उसके बाद ये तेरह अलग अलग नंबर्स हो गए है ना इक्का से स्टार्ट हो गया जिसको कि एस कहते हैं फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर ग्यारह वाले को जो है जैक कहते हैं फिर उसके बाद क्वीन बेगम और फिर बादशाह ठीक है या फिर रानी भी कहते हैं इसको और फिर ये हमारा बादशाह हो गया किंग ठीक है तो यहाँ पर कितना हो गया तेरह और फिर ऐसे करके चार तो थर्टीन इंटू फोर टोटल कितना हो गया फिफ्टी टू ठीक है और फिर इसमें अलग अलग चीज़ सोच सकते हो जैसे ये जो चिड़ी है और ये हुक्म है ठीक है या फिर ये जो क्लब्स है और फिर ये जो स्पेड्स हैं तो ये क्या है ब्लैक कलर का है ना काला है तो, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स अगर देखेंगे तो वो कितना हो गया ये तेरह यहाँ पर काला हो गया ये फिर तेरह और काला हो गया तो तेरह तेरह छब्बीस ब्लैक कार्ड्स हो गए फिर यहाँ पर तेरह ये लाल हो गए तेरह ये लाल हो गए तो छब्बीस जो हैं लाल कार्ड्स हो गए ठीक है तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ सोच सकते हैं फिर इक्का कितने हैं तो इक्का कितना है हर एक शेप में जो एक एक इक्का रहेगा है ना टोटल एक दो तीन चार इक्का है है ना चार हमारे पास जैक है चार बादशाह है चार क्वीन है ठीक है हर नंबर का चार हमारे पास ये है ठीक है तो इस टाइप से जो है पूछा जा सकता है और फिर वेल सफल्ड कार्ड्स मतलब कि पूरा अच्छे से सफल कर दिया गया है और फिर कोई भी एक कार्ड आने का जो है आउटकम वो इक्वली लाइकली है तो टोटल बावन कार्ड्स हैं तो कोई भी एक कार्ड आने का आउटकम एक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाई फिफ्टी टू है ना हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या ये एक क्वेश्चन मैंने एन सी आर टी से लिया है तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स ठीक है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैंपल स्पेस तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं तो सैम्पल स्पेस में तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना कि इक्का आ सकता है चिड़ी का या फिर दो आ सकता है चिड़ी का तीन आ सकता है चिड़ी का है ना या क्लब्स का एंड सो ऑन तो ऐसे करके टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए सैंपल स्पेस में फिफ्टी टू है ना तो इसका आंसर ये हो गया फिर कैलकुलेट द प्रोटी द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स ठीक है एस ऑफ स्पेड्स मतलब कि ये कार्ड आ जाएगा तो ये क्या है एक ही मतलब हर कार्ड कोई भी कार्ड आने का प्रायोरिटी क्या है वन बाई फिफ्टी टू है ना इक्वली लाइकली आउटकम तो एस ऑफ स्पेड्स कितना है एक ही कार्ड है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू वन बाई फिफ्टी टू है ना वन इंटू वन बाई फिफ्टी टू ऐसे सोच सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा वन बाई फिफ्टी टू या फिर डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये अगर सैम्पल स्पेस है हम लोग का है ना तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं फिफ्टी टू है 52, ना और फिर जो एल जो इवेंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें कितना एलिमेंट है उसमें एक ही एलिमेंट है तो वन बाई फिफ़्टी टू है ना वैसे भी सोच सकते हैं फिर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ एन एस ठीक है तो कोई भी कार्ड आने का क्या है वन बाई फिफ्टी टू प्राइबरिटी है और फिर एस कितने एस यहाँ पर चार है है ना तो क्या हो जाएगा फोर इंटू वन बाई फिफ्टी टू है ना फोर इंटू वन बाई फिफ्टी टू तो फोर बाई फिफ़्टी टू या फिर वन बाई थर्टीन और इस टर्म्स में कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये हैं है ना पॉइंट्स तो ऐसे कितने 52 पॉइंट्स हैं और हम लोग जो इवेंट में इंटरेस्ट हैं तो वो उसमें कितना चार आउटकम हो सकता है तो जो सबसेट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जो है चार आउटकम्स हो सकते हैं है ना तो फोर इंटू वन बाई फिफ्टी फिर उसके बाद ब्लैक कार्ड वाट इज़ द दैट द कार्ड इज़ ब्लैक कार्ड तो ऐसे ही सोच सकते हैं कि कोई भी कार्ड का प्रॉवर्टी क्या है वन बाई फिफ्टी टू और फिर ऐसे करके टोटल छब्बीस यहाँ पर ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे पास तो ट्वेंटी सिक्स इंटू वन बाई फिफ्टी टू है ना ट्वेंटी सिक्स इंटू वन बाई फिफ़्टी टू ठीक है तो वन बाई टू तो इसको दिमाग में कैसे सोचना है कि सारे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं तो कोई भी एक आउटकम का क्या चांस है वन बाय फिफ्टी टू और जो भी इवेंट में हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं उसमें ट्वेंटी सिक्स वैसे आउटकम्स हैं ठीक है थेके? तो ट्वेंटी सिक्स इंटू वन बाई फिफ्टी टू वन बाई टू ठीक है तो ये बस मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया है लेकिन इस तरीके से जो है काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब भी फ्रेम हो सकते हैं ठीक है कि वाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड यू पिक्ड इज ग्रेटर देन टेन लेट से है ना इस टाइप से तो अलग अलग जो है फ्रेम हो सकता है तो ये वीडियो को छोटा सा ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है कि कोई भी कंडीशन है मतलब कोई भी चीज़ है इवेंट है जिसका कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कुछ सोच के रखें और फिर हम लोग को कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे दिया गया तब फिर प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होता है ठीक है तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं